और चलिए रुख करते हैं अगली जानकारी का। एक और बड़ी खबर इलेक्शन ब्रेकिंग में आपको बता दें, आज दिल्ली पहुंच सकते हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है, लगातार तीसरी बार शानदार जीत दर्ज की है और उसके बाद अब पार्टी हाईकमान के साथ रूबरू होंगे नायब सिंह सैनी कार्यवाहक मुख्यमंत्री। हरियाणा में नई सरकार का गठन जल्द होगा और जब तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी कामकाज करते रहेंगे। बीजेपी की जीत हैट्रिक के बाद दिल्ली का ये पहला दौरा है। कल नतीजे शाम को आए हैं, दोपहर बाद तस्वीर क्लियर होती चली गई और शाम होते होते सभी रुझान परिणामों में तब्दील हुए और साथ ही साथ जो उम्मीदें कांग्रेस लगाए बैठी थी, कांग्रेस के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री पद को लेकर लगाए बैठे थे, उनके सभी सपने ध्वस्त हो गए। दिल्ली से हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोनलाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, कार्यवाहक मुख्यमंत्री दिल्ली का दौरा कर सकते हैं आज, शानदार जीत को बीजेपी ने हासिल की है, क्या जानकारी मिल पाई है नायब सिंह सैनी को लेकर? देखिए बिल्कुल, आज जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी वो दिल्ली पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। काफी महत्वपूर्ण दिल्ली दौरा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से हरियाणा में सरकार बनाने का मौका मिला है, लगातार तीसरी बार जो है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 48 सीटें जो है 90 में से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई जो है नजर आई है। फुल मेजोरिटी के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और इसलिए दिल्ली दौरा महत्वपूर्ण है। दिल्ली में पार्टी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात जो है देखने को मिलती हुई नजर आएगी। नायब सैनी के साथ में अगर हम बात करते हैं तो जो अब प्रदेश अध्यक्ष है मोहनलाल बडोली, वो भी जो है दिल्ली में देखने को मिलते हुए नजर आएंगे और जो अगली संभावनाएं या फिर कहें कि जो चर्चा का विषय है वो कैबिनेट होगा, शपथ ग्रहण समारोह होगा, ऐसे तमाम विषयों को लेकर नायब सैनी जो है वो फिलहाल दिल्ली में जो है पहुंचते हुए आज नजर आएंगे। इस पर ये भी जानकारी सामने आई थी कल जब नतीजे सामने आए कि दशहरे के मौके पर नई सरकार का गठन हो सकता है, यानी जो आप जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली दौरे के दौरान इन सभी चीजों को लेकर बात की जाएगी, चाहे वो कैबिनेट का चेहरा हो या फिर नई सरकार का गठन, इसे लेकर क्या माना जाए, कब तक तस्वीर साफ होती नजर आएगी कि सरकार का गठन किस दिन होने जा रहा है? देखिए अब जिस तरीके से बड़ी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से वापस आती हुई नजर आई है तो एक दिल्ली में जिस तरीके से कहा जा सकता है कि रिव्यू बैठक होती हुई नजर आएगी, जिसमें ये देखा जाएगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया है। जिस तरीके से विपक्ष उम्मीद लगाए बैठा था, एंटी इनकम्बेंसी या फिर अन्य फैक्टर है, लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली दौरे के दौरान जो है तमाम जो बड़े नेता हैं पार्टी आलाकमान के, उनसे मुलाकात होगी, रणनीति बनाई जाएगी, आगे सरकार को लेकर किस तरीके से सत्ता संगठन का साथ मिलकर जो है चलना है और उसके साथ साथ कौन कौन से जो नए मंत्री हैं वो जो है शपथ लेते हुए जो है नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो इस बार भी विधानसभा चुनाव में जो कई सरकार में मंत्री रहे हैं वो अपना चुनाव हार गए हैं, तो ऐसे में इस बार जो नए चेहरे हैं वो किस तरीके से जो है देखने को मिलते हुए नजर आएंगे सरकार के गठन को लेकर, उसके साथ साथ शपथ ग्रहण समारोह की तारीख किस तरीके से जो है देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है, क्या वो नवरात्रों के बाद में देखने को मिलती हुई नजर आएगी या फिर जल्द जो है शपथ ग्रहण समारोह होता हुआ नजर आएगा। तो तमाम विषयों को लेकर आज दिल्ली दौरे के दौरान नायब सैनी और जो अन्य नेता है वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। स्पर्श, एक आखिरी सवाल और, नायब सिंह सैनी से पहले जब दिल्ली गए हैं तो वो या तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री थे हाल के वक्त तक या फिर मुख्यमंत्री रहे, लेकिन ये जो ये वाला दौरा है ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है। एक बड़ी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी के कंधों पर बीजेपी ने सौंपी मनोहर लाल को मुख्यमंत्री पद से हटाकर, और उस चुनौती को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्यमंत्री, इस लिहाज से उनका कद निश्चित बढ़ चुका है। अब देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी का जो सेंट्रल लीडरशिप का दांव था वो बड़ा महत्वपूर्ण था, जिस तरीके से चुनाव से पहले एंटी इनकम्बेंसी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सीएम बदलने का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं लिया था। हालांकि हम जानते हैं किस तरीके से जो मनोहर लाल है उनको भी केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारी जो है फिलहाल दी है, कई जो महत्वपूर्ण पद है उनके पास देखने को मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो जातिगत समीकरण थे उनको ध्यान में रखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया था, जिसमें हमने देखा कि जो नतीजे आए वहां पर जो दलित वोट बैंक है एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पास वापस जो है आता हुआ जो है नजर आया। ऐसे में निश्चित तौर पर जो नायब सैनी वो दिल्ली दौरे पर जाएंगे तो उनकी जो टीम है उनके साथ में देखने को मिलती हुई नजर आएगी, मसलन मोहनलाल बडोली की बात की जाए वो भी साथ में रहेंगे और एक बड़ा जो है
चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जो है जीता है, जहां पर तमाम तरीके की जो विपरीत परिस्थितियां देखने को मिलती हुई नजर आ रही थी भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, लेकिन जिस प्रकार से टिकट वितरण देखने को मिलता हुआ नजर आया और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी साइलेंटली अपनी जो योजना थी उसको जो है जमीनी स्तर पर उतारती हुई जो है नजर आई, इन तमाम विषयों को लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी जो है चुनाव जीतती हुई नजर आई। और ऐसे ही तमाम विषयों को लेकर जो है नायब सैनी जो है दिल्ली दौरे के दौरान तमाम चर्चा भी करते हुए जो है नजर आएंगे। बिल्कुल स्पष्ट रणनीति भली खामोशी से बनाई बीजेपी ने, लेकिन उसकी जीत का शोर पूरे प्रदेश और देश में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो बीजेपी की जीत के बाद ये पहला दौरा होगा नायब सिंह सैनी का दिल्ली का, जहां पर वो पार्टी हाईकमान से रूबरू होंगे और उनका कद अब पड़ चुका है दिल्ली में, दिल्ली आलाकमान के सामने भी, क्योंकि जिस तरह से उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर आसीन किया गया और उन्होंने जो अपने कार्यकाल के दौरान चीजों को बदला, जिस चीज को लेकर बीजेपी या फिर तमाम अन्य राजनीतिक विश्लेषक कहते नजर आए, और उसके बाद अब नायब सिंह सैनी दिल्ली का दौरा आज कर सकते हैं और पार्टी हाईकमान से वो रूबरू होंगे। बहरहाल अब जो लोगों की उत्सुकता है वो यही है कि अब कैबिनेट कैसी होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर तो गृहमंत्री अमित शाह पहले ही साफ कर चुके हैं कि नायब सिंह सैनी हमारे चीफ मिनिस्टर होंगे। इस लिहाज से कैबिनेट का चेहरा कैसा होगा, कौन से बड़े मंत्री अब नए बनने वाले हैं, क्योंकि कई मंत्री इस बार हार गए,